तो द ओलंपिक्स जो क्लास 7 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डहलिया के चैप्टर है, तो उसमें आपने जो कंप्रेशन चेक 1 देखा, कंप्रेशन चेक 2 देखा, कंप्रेशन चेक 3 भी देखा, उसके बाद में आपको फिल द ब्लैंक्स बताया था। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पर देखेंगे, तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, देन प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट मी ऑल न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यार सब्सक्राइब तो पक्का कर देना, आप लोग में से बहुत लोग करते नहीं हो तो ये कर देना। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करें और इसे क्वेश्चन को समझने का अच्छे से प्रयास करें। मैं आप ही के लिए वीडियो में हिंदी भी लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर के नीचे नीचे के, ताकि आपको अगर इंग्लिश में समस्या आती है तो आप उसे अच्छे से निपटा कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. हाउ वर द विनर्स अवार्डेड ड्यूरिंग एंशियंट ओलंपिक गेम्स, प्राचीन ओलंपिक खेलों के दौरान विजेताओं को कैसे पुरस्कृत किया जाता था? आंसर, ड्यूरिंग द एंशियंट ओलंपिक गेम्स विनर्स वर अवार्डेड विद अ रेथ ऑफ लीव्स एंड वर वेलकम्ड बैक होम। प्राचीन ओलंपिक खेलों के दौरान विजेताओं को पत्तियों की माला से पुरस्कृत किया जाता था और घर वापस आने पर उनका स्वागत किया जाता था। 2. वाई वर द ओलंपिक गेम्स एबोलिश्ड इन 393 AD, 393 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को क्यों समाप्त कर दिया गया था? आंसर, द ओलंपिक गेम्स वर एबोलिश्ड इन 393 AD बाई एम्पेरर थियोडोसियस बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन देयर क्वालिटी। सम्राट थियोडोसियस ने 393 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को इनके गिरते हुए स्तर के कारण इसे समाप्त कर दिया था। 3. इन विच ईयर डिड वुमेन फर्स्ट कम्पीट इन मॉडर्न ओलंपिक्स, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? आंसर, वुमेन फर्स्ट कॉम्पिटेड इन द मॉडर्न ओलंपिक्स इन 1900, 1900 ईस्वी में महिलाओं ने पहली बार आधुनिक ओलंपिक में भाग लिया था। 4. होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव, ओलंपिक खेल की मेजबानी करना बहुत महंगा होता है। येट मेनी कंट्रीज वॉन्ट टू होस्ट देम, वाई? फिर भी कई देश उनकी मेजबानी करना चाहते हैं, क्यों? आंसर, होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव बट द गेम्स कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी टू द होस्ट कंट्री बिकॉज मेनी टूरिस्ट ट्रेवल देयर ड्यूरिंग द गेम्स। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना काफी खर्चीला होता है, लेकिन इन खेलों से मेजबान देश को बहुत अच्छी कमाई होती है, क्योंकि खेलों के दौरान बहुत भारी संख्या में कई पर्यटक ओलंपिक खेल देखने वहां आते हैं। सो मेनी कंट्रीज वॉन्ट टू होस्ट देम, इसलिए कई देश उनकी मेजबानी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और इसे अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर देना, और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करना, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ऐसे ही बहुत दिन मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।